Once again, welcome back here and hope so you all are doing well. Hope so आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी. तो इम्प्रूवर्स के लिए बहुत 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 अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए. सो बेसिकली अब आप लोग जो पैनिक हो रहे थे आप लोगों की, वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए और अब आप लोगों ने अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है. तो बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता था कि मीटिंग होनी है जिसमें इम्प्रूवर्स के बारे में क्लियरली बता दिया जाएगा कि उनका किस तरह से क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, और बच्चे इस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे. तो आप लोगों को जैसे पता है कि मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन ने तो इस बात का आप लोगों को एक तरह से साइन करवा दिया था, एक आप लोगों को इशारा करवा दिया था कि जस्ट पार्ट टू के एग्जाम्स होंगे, और इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा मैंने भी जोर दिया था. इवन सब यही कह रहे थे कि पहले पार्ट टू के होंगे तो पार्ट टू की ही प्रिपरेशन करें. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ पार्ट टू के एग्जाम्स दे रहे हैं या ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट वन के एग्जाम्स देने हैं यानी कि रीअपेयर हो रहे हैं, या वो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में रीअपेयर हो रहे हैं, या कॉम्पोजिट एग्जाम्स वाले बच्चे, या ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स सिर्फ पार्ट टू के, या ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं यानी कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, स्पेसिफिक उन्होंने सब्जेक्ट्स रखे हुए थे कि हमने इसकी इम्प्रूवमेंट देनी है, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट टू होल की और कुछ सब्जेक्ट्स पार्ट वन की उसके इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स देने थे, और ऐसे ही इसके ऑपोजिट पार्ट वन के. तो ऐसे बच्चों के लिए मीटिंग में प्रपोजल पेश कर दिया गया, प्रपोजल दे दिया गया है. एक उन्होंने एक इस तरह से पॉइंट ये पेश किया है कि ऐसे ऐसे होगा. तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि कैसे कैसे होगा. तो बेसिकली जो इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, ये जितने भी इम्प्रूवर्स या कॉम्पोजिट एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और सिर्फ पार्ट टू के एग्जाम्स होंगे. जी हाँ, अब मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन ये भी क्लियर कर दूँ. अब जो बच्चे जो उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स इस तरह से पेयर में दे रहे हैं, उनका उर्दू और इंग्लिश का नहीं होगा, जस्ट फिजिक्स होगा. ऐसे ही बच्चे जो उर्दू, इंग्लिश, मैथ रखा हुआ, साथ केमिस्ट्री रखा हुआ, उनका उर्दू इंग्लिश नहीं होगा, यानी कि उनका जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स होंगे, और इलेक्टिव में जिस तरह से उनके मार्क्स आएंगे वही उनके कंपलसरी एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग ही उनका क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा. जिस तरह फ्रेशर्स के एग्जाम्स के उन्होंने अभी एक फॉर्मूला सेट करना है कि ऐसे ऐसे ये उधर पीछे अभी फॉर्मूला जो सेट होगा कि बच्चों के जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही परसेंटेज उनकी जिस तरह कंपल्सरी में देनी है, उसी तरह ही ये इस तरह से हो गया है. तो अगर अब आप लोग देखें, अगर आप लोगों के मैथ में अगर आप बहुत मेहनत करके 90, 92, 93 ले रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी 92, 93 परसेंटेज बन रही है, तो आपके उर्दू इंग्लिश में भी इतने ही मार्क्स आएंगे. ये एक बहुत 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 अच्छा और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. तो अब आप लोग अपनी अच्छी सी तैयारी करें, और इस चीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़े दिनों में आ जाएगा, या हो सकता है आजकल में ही आ जाए. तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी. तब तक के लिए अब जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और अपने सिर्फ पार्ट टू पे अभी फोकस करें, एंड देन उसके बाद MDCAT और ECAT, क्योंकि आपका पार्ट वन पार्ट टू क्लियर होगा, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग MDCAT और ECAT में कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा कि MDCAT और ECAT की तैयारी शुरू की हुई और पार्ट टू अभी साइड पर रखा हुआ है. होप सो मेरी समझ आ गई होगी. और जो आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता, वो परेशान हैं, उन्हें बता दें, उन्हें इनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्टे ट्यून क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया जाएगा. और मेरे चैनल पे अभी तक कोई भी फेक न्यूज़ नहीं आई, तो इसलिए ये भी फेक नहीं है. बस आप लोगों ने जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ, और उसके अलावा आप लोगों को बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी, आजकल में आ जाएगा. अभी तक के लिए इतना ही, अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करें. अल्लाह हाफिज़.